बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादी नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये था हमारे होटल के सामने का व्यू। मैंने कहा इसका व्यू भी आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। हमारे टूर का थर्ड डे था और ये था स्कर्दू, जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। सुबह का टाइम था, बस ब्रेकफास्ट करने जा ही रहे थे, तैयार तो हम हो ही गए थे। थर्ड डे का जो ब्रेकफास्ट था उसका क्लिक लेना तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि सुबह उठते थे जल्दी जल्दी में, तैयारी करनी होती थी, नाश्ता करते थे और फिर आगे की तरफ निकल जाते थे। लेकिन खैर, नाश्ता बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे हम बस पहुँच ही चुके थे। ये था मंतुखा वाटरफॉल। यहाँ पे हमने बहुत ही इन्जॉय किया। टू डेज़ की तरह थर्ड डे भी हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप देखते जाएं, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो यहाँ से हम गुजरने की कोशिश कर रहे थे, ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ था जो कि वुड में था, काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा था लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ से गुजरते हुए भी। ये है हमारा प्यारा वतन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे प्यारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। मैं बैठी हूँ, आप चले जाओ ना, मेरे पास शूज भी नहीं है। तो ये वापसी का रास्ता था, इस ब्रिज से हम गुजर रहे थे, चौक के मूव कर रहा था, सेंटर में था ये ब्रिज और साइडों पे पानी था और इस ब्रिज के नीचे भी पानी ही पानी था, बड़ा ही ठंडा वाटर था। यहाँ से लोग इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे, हमें तो गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो मैं इसी इंतज़ार में थी कि मुझे रास्ता मिले, मैं आगे की तरफ जाऊँ। मैं थोड़ा डर रही थी कि ये ना हो मेरा मोबाइल मेरे हाथ से स्लिप होके गिर जाए। सकता कि ऐसा मोमेंट हो, कुछ खाया पिया ना जाए, हल्का फुल्का सा मैंने खा पी लिया, भूख तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, पता नहीं इन एरियों में जाके मुझे तो भूख ही नहीं लग रही थी, बस हल्का फुल्का ही लेती थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉय करने के बाद हम आगे की तरफ निकल पड़े। तो दिल का जवान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बंदा कहीं भी बैठ के इंजॉय कर सकता है। ये है कोल डेजर्ट, यहाँ पे मैं बताती हूँ हमने क्या कुछ किया। एक और बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, इन टूर वालों के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा हम डर भी रहे थे, पता नहीं किस तरह का रहेगा ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन टूर वालों के साथ फैमिलीज ही होती हैं, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है। ये स्कर्दू का था कोल्ड डेजर्ट, नाम तो इसका कोल्ड डेजर्ट था लेकिन यहाँ पे गर्मी थी तो मुझे तो लग रहा था ये समर डेजर्ट है। यहाँ पे क्लाउड्स और माउंटेन्स बहुत ही कमाल के थे, यहाँ पे छोटे बड़े सब एंजॉय कर रहे थे। इस डेजर्ट का व्यू तो बहुत ही कमाल का था और यहाँ की जो रेत थी ना वो भी कमाल की ही थी, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई कि कोल्ड है नाम और ये गर्म क्यों है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। मुझे लगता है इसकी हिस्ट्री सर्च करके रीड करनी पड़ेगी, फिर ही समझ आएगा कि इसका नाम कोल्ड डेजर्ट क्यों रखा गया। इसके साथ ही हमने थोड़ी सी ड्राइव की, दिल का बच्चा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिर हम हर लम्हे को हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। चला रही हूं मैं आपको।
यहाँ पे आने के लिए हमारे हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर था पैरामाउंट जो कि अभी आपको आगे भी शो होगा। इसकी टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 7000 इसकी टिकट थी। वैसे अगर सोचा जाए तो ना, ऐसी जगहों पे जाके बच्चा बनना बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चा ही बनना चाहिए। बड़ों वाली रूह को तो दिल से निकाल ही देना चाहिए, फिर ही पता चलता है कि हमने एंजॉय किया, हमारा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं गया। वैसे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, कुछ लोग बाइक भी चला रहे थे, कपल्स बाइक चला रहे थे, और इसके अलावा जीप भी थी, जीप पे भी लोग ड्राइव कर रहे थे। तो खैर, हम आगे की तरफ चल पड़े। गुमसुम सी वादियों की तरफ जा रहे थे अब हम। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके थे। इससे पहले चाय पीते तो हमें एक शॉप नज़र आई, हमने कहा इसको विज़िट कर लेते हैं और आप सबके साथ इसकी वीडियो शेयर कर लेते हैं कि इस शॉप पे क्या कुछ था। यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, ब्लोची सिंधी टाइप, और बच्चों के लिहाज से भी छोटे छोटे उनके ड्रेसेस वगैरह मौजूद थे यहाँ पे। तो इसके साथ ही इनके पास कैप्स थी, ज्वेलरी थी, ज्वेलरी में मालाएं थी, रिंग्स थी, ब्रेसलेट थे। लोग आते होंगे, लेते होंगे यहाँ से। यहाँ पे एयरिंग्स थे, एयरिंग्स में भी हर कलर के डिज़ाइन थे। तो मैं इसको देख रही थी, मुझे अच्छे तो लग रहे थे लेकिन मैंने परचेज नहीं किए थे क्योंकि इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। तो इसके साथ ही ये देखें, ये हैं सारे ब्रेसलेट। ब्रेसलेट भी बहुत प्यारे थे, इस तरह के ब्रेसलेट थे, कलर वाइज थे, जो लोग आते होंगे यहाँ से लेते होंगे। और ये कैप पड़ी हैं, ब्लोची टाइप कैप हैं, उससे ऊपर भी ब्रेसलेट ही पड़े हैं। ये हैंगिंग, रूम हैंगिंग के कुछ हैं ये, और बाकी ये माला हैं, सारी सेट्स पड़े हैं थोड़े से, और ये सारी रिंग्स हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, चाय पीते हैं और थोड़ी सी गपशप लगाई हमने, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे भी। आज तो इन वादियों को देख के कोई सॉन्ग ही नहीं आ रहा माइंड में। खैर, हम सब ने यहाँ पे बैठ के चाय पी, चाय भी बहुत ही अच्छी थी, कार्डिमम टी थी। चाय पी के हम सब फ्रेश हो गए, दोबारा से फिर हम वापसी की तरफ जाने लगे। तो ये था रात का टाइम, हम पहुंच गए थे यहाँ पे, हमने करना था डिनर। और ये मेरे हाथ में थी कीज, लेके बैठी थी तो मैंने इसकी भी पिक्चर और थोड़ी सी वीडियो बना ली। इसके साथ ही आपको नेल भी दिखा रही थी, एक नेल मेरा टूट चुका था तो मैंने कहा घर जाके बाकी नेल भी कट कर दूंगी। और इसके साथ ही ये डिनर था, डिनर बहुत ही कमाल का था। डिनर में कोरमा था और सेकेंड पे मिक्स वेजिटेबल्स थी और कोल्ड ड्रिंक थी, बाकी नान रोटी जो भी था। बहुत अच्छा डिनर हमने किया। उसके बाद इन्होंने कवाली वालों को बुलाया हुआ था, यहाँ हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। तो ये थी कवाली नाइट। सारा दिन से हम इतने ज़्यादा थके हुए थे तो फिर भी हमने इसको भी एंजॉय करना था, हमने कहा नींद तो वैसे भी घर जाके भी पूरी हो जानी है। तो ये जो कवाली वाले थे इन्होंने भी बहुत ही मज़े लगाए, मज़े मज़े की कवालियाँ सुनाई हमें, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कॉपीराइट का इशू ना होता तो आप भी इनकी कवाली सुन सकते, अभी तो सिर्फ आप मेरी ही बात सुन सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ ही रावल टूर वाले हैं ये, इनका नंबर मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप में से कोई भी जाना चाहता है तो आप इनके साथ जा सकते हैं, फैमिली टूर है इनका, फैमिली टूर ही होता है इनका, कपल्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है।
साथ ही उम्मीद करूंगी आपने मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लास्ट में मुझे कॉइन नजर आया, मेरे पाँव के करीब ही था, इसको मैंने उठा के ऊपर रख दिया।